अच्छी बात कही कि रामलीला का आयोजन कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी है। और धर्म क्या है, यानी कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो शबरी का पात्र यदि आप देखें तो वो प्रतिनिधित्व करती है एक वंचित शोषित समाज का, और वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये एक अपने आप में ऐसा संदेश है एक ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति में बांटना चाहता है, जो आज भी धर्म और वर्ग के रूप में बांटना चाहता है। वहाँ शबरी का और राम का संबंध एक इस रूप में सामने आता है कि प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। तो राम कथा पूरी, राम का जो राम राज्य है, राम का भाव है, वो यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी, जहाँ पर कोई भी हो सब बराबर थे क्योंकि सब प्रेम करते थे। शबरी एक ऐसा ही पात्र है जो एक ऐसे वर्ग से आती है जब वनवासिनी है, उसके पास धन नहीं, उसके पास कोई बहुत समृद्धि नहीं, लेकिन राम उनको अपना माँ कह करके संबोधित करते हैं। यानी शबरी के पास वो भाव था, वो निष्ठा थी, वो आस्था थी, वो प्रेम और सरलता थी। आज यही पाना है, रामलीला इसीलिए प्रदर्शित की जाती है और मैंने इसीलिए शबरी जी का पात्र करना चाहा। ये आप सोचिए कब त्रेता युग में राम हुए, और राम कथा हर युग में हर समय लोग कहते हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं, अब कौन देखता है कौन सुनता है। हर बार कुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार दुर्गा पंडालों की, गणेश पूजन की या रामलीलाओं की स्थिति तो और बेहतर हो रही है, लोग और आ रहे हैं, लोग और अपने जानना चाहते हैं और इनसे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस भी कथा, चाहे किसी भी धर्म की हो, जिस कथा में अच्छा बनने की सीख हो, उसका मंचन हमेशा होता रहेगा, जनता हमेशा उसको बड़े चाव से देखेगी। राम कथा सबको पता है कि राम कथा में क्या होने वाला है। राम अपने माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन को जाने वाले हैं, वहाँ पर उनको कष्ट मिलेगा, वहाँ पर रावण आएगा हर के ले जाएगा, फिर हनुमान जी रक्षा, इस सबको ही कथा पता है। हम बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो देखना अच्छा लगता है। हम सीखते हैं कि कैसे कैकई जैसे मुँह में नहीं आना चाहिए, हम सीखते हैं कैसे रावण की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो मन के विकार हैं, और मन को विकार पर काबू पाना यही तो जीवन को जीने के सबसे बड़ा मार्ग यही तो है कि हम अपने कमजोरियों पर वश पड़ें। और ऐसे में रामलीला बहुत बड़ा हमारे लिए गुरु बनकर काम करती है। अयोध्या इस समय चूंकि अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अब चूंकि यहाँ पर दीपावली जिस जोर शोर से मनने लगी, ये सिंपल सी एक बात है कि जिसको भी, जिस पर दृष्टि पड़ जाए राम की, उसका कल्याण हो जाता है। अब यहाँ पर सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को जिस प्रकार से सम्मान दिया है, तो आप देखिए अब दुनिया सम्मान दे रही है, वरना वही अयोध्या है। अब देखिए जिस तरह जगमगा रही है, मैं तो यहाँ रही हूँ, जिस तरह से अब रौनक दिखती है सड़कों पर, जिस तरह नया कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ पर सफाई दिख रही है, सरजू में जिस तरह का जल दिख रहा है, सफाई दिख रही है, ये तो मतलब हमारे जैसे राम भक्तों का मन कितना प्रसन्न होता है मैं बता नहीं सकती।